सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं की लगातार हड़ताल जारी। जी हां, तुम डाल डाल हम पात पात। मशरक प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक परिसर में आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल 12 जुलाई से शुरू होकर लगातार अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता लगातार धरने पर बैठी हैं। जिस प्रकार बिहार सरकार डाल डाल और आशा कार्यकर्ता पात पात की उक्ति को सिरताज कर रही है, कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार सरकार आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से प्रभावित नहीं दिख रही है। आशा कार्यकर्ता अपनी हड़ताल मांगों को लेकर वापस होने के लिए तैयार नहीं है। हड़ताल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बाधित हैं। लोग इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आर्थिक स्थिति से लेकर मजबूत होने लोगों आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ निजी क्लिनिक से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गरीब असहाय लोगों को देखने वाला कौन है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 के रजिस्ट्रेशन पर अच्छी इलाज के साथ दवा भी मुफ्त प्राप्त हो जाती थी, लेकिन हड़ताल के कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बाधित हो गई है। आशा कार्यकर्ता के द्वारा गीत के माध्यम से बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं बाधित को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जो भी फैसला लेना है फैसला लेना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। तो आपको बता दें चलें, 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता का लगातार धरना जारी है। मशरक प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक परिसर में आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल 12 जुलाई से शुरू होकर अनिश्चितकालीन के लिए है। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक यूं ही ऐसी हड़ताल जारी रहेगी। उनका कहना है कि तुम डाल डाल हम पात पात, जब तक आप हमारी मांगें नहीं मानेंगे तब तक हम कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। बताइए, जब तक ले हम लोग का मांग सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। क्या नाम है? हम देवंती देवी। अब बताइए, आज कितने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए? हम लोग 12 दिन हो गया, 12 दिन से हम लोग हड़ताल में बैठे हुए। आगे क्या? आज तक कोई सरकार अपना सूची। अगला प्रोग्राम आप लोग का क्या है, आगे क्या करना? अगला प्रोग्राम है, जब तक सरकार हमारी 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में रहेंगे, और हम लोग को मांग के जब पूरा होगी तभी हम लोग हटेंगे, नहीं तो नहीं। हम लोग सरकार आज तक कोई बराहवा दिन हो गया, लेकिन आज हमारे तक किसी आशा बहनों को देखने के लिए या कोई सूचना के लिए कोई अधिकारी हम लोगों को सामने नहीं आया कि आप लोग काहे बैठी हैं। नहीं हमारे यहाँ विधायक जी आए, नहीं MP साहब आए, नहीं कोई अधिकारी आया। इसलिए हम लोग अपना बैठे हैं, जो करना है करेंगे, सरकार के काम को बाधित रखेंगे और हम लोग की मांग पूरा हो जाएगी उसके बाद हम लोग हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।